अब एक डाउट जो मुझे लग रहा है इस सीरीज को देखते हुए कि यार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एपिसोड बचा है, जैसा सुनने में आ रहा है, जैसे उड़ती उड़ती जो न्यूज आ रही है कि सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है। अब उस एक एपिसोड में जरा सोच कर देखो, एरन तक भी पहुंचना है, उसको समझाना है या रोकना है या उसको मारना है, सब कुछ चीजें जो है वो एक ही एपिसोड में करनी है। और एक एपिसोड की जो लेंथ होती है वो थी 23 मिनट के आसपास। अब उस 23 मिनट में आउटरो इंट्रो हटा दो, आउटरो इंट्रो हटाएं तो लगभग 20 मिनट के आसपास एपिसोड बचाते हैं। अब सोच कर देखो 20 मिनट के एपिसोड के अंदर आप लोगों को इतना कुछ हमें दिखाना है वो एक एपिसोड में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पॉसिबल होगा। अब जितनी जिसके अंदर स्ट्रगल दिखाया गया है, देखिए अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 के 11th एपिसोड के अंदर, भाई साहब एक तो ये नाम लेते लेते यार इतना मतलब सांसें फूल जाती हैं। तो इस एपिसोड के अंदर जो हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये जो एलिडियंस और मार्ले दोनों आपस में मिलकर एरन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर जो ये एपिसोड दिखाया गया, वास्तव में यार ये वाला एपिसोड सांसें फूल जाती हैं या रुक जाती हैं देखते वक्त, क्योंकि जिस तरीके की इसमें फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त। मतलब फीमेल टाइटन है, आर्म टाइटन है, दोनों लड़ रहे हैं, इनकी हालत खराब करके रख देते हैं एलिडियंस, मतलब यहां पर जो एरन का समर्थन कर रहे होते हैं ये जो लोग हैं या ये जो फाइटर हैं, वो इनकी हालत खराब करके रख देते हैं, सिर सुर हाथ पैर सब साइड में मतलब सब फाड़ के रख देते हैं। इतनी ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है रोमांचक चीजें, बहुत मजा आता है सच में, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ये सब चीजें देखकर। फिर यहां पर हमें जो फाल्को का एक जो टाइटन जो अपने आप को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वो वाला भी इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इतनी सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। फिर साथ ही साथ हमें पता चलता है कि भाई अगर आप एरन को रोकने भी जा रहे हो, इतना ज्यादा टाइम बीत चुका है उसको रोकने के लिए कि वो ऑलरेडी बहुत सारी जगह को बर्बाद कर चुका है, उस तक पहुंचते पहुंचते जाओगे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो और भी चीजें जो है बर्बाद कर चुका होगा। ये सब चीजें देखते ना तो सच में लगता है यार ये काफी ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा डरावनी होती जा रही है। और जब ये एपिसोड खत्म होता है 11th एपिसोड, और इसके अंदर लास्ट में जो जो शिप है उसको उड़ाया जाता है जिसमें एलिडियंस होते हैं वो इनका पीछा कर रहे होते हैं, कि मिकासा जीन और कोनी इनका जब पीछा करने के लिए जिस शिप में तैयार होते हैं, तो उस शिप को उड़ा देना, और जो उड़ाता है मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, दो व्यक्ति होते हैं, एक एलिडियन होता है और एक मार्ले होते हैं, ये दोनों उड़ाते हैं। भाई वो जिस तरीके की कुर्बानी दे रहे हैं बहुत ज्यादा, एक इमोशनल एंगल वहां से आता है। अब इमोशनल एंगल के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मिकासा कॉनी जीन या ये जो लोग हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए जैसे आगे आते हैं, या फिर जो लोग इनको मार रहे होते हैं खुद की, मतलब कि दो आपस में कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जिस वक्त मारते हैं तो इनके एक इमोशन जैसा दिखाया गया है, हाथ उनके कांप रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है यार तुम हमारे ही तो लोग हो, तुम हमसे कैसे गद्दारी कर सकते हो। ये वाली जो चीज हमें दिखाई गई बहुत बढ़िया चीजें लगती हैं। मतलब ओवरऑल जो 11th एपिसोड है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, फाइटिंग के हिसाब से बात कर लो या फिर इमोशन के हिसाब से बात कर लो, या फिर आपको एरन को रोकना है तो एरन को रोकने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट होते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। यहाँ पर एक आइडिया भी बताया जाता है कि कैसे कहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर चलते हैं, वहां पर हम एरन को रोकने की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें दिखाई जा रही है 11th एपिसोड के अंदर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक ही एपिसोड, जैसे उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि एक ही एपिसोड है, तो मुझे नहीं लगता कि उस एक एपिसोड में एरन को रोका भी जाएगा, उसको समझाया भी जाएगा या उसको मारा भी जाएगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे यार अभी तो निकले हो, उस तक पहुंचोगे कैसे, या फिर आप तुम जिस आइलैंड पे जाने की बात कर रहे हो कि भाई एरन यहां तक आएगा तो वहां पर जाने जाने में इतना टाइम लग जाएगा। मैंने कहा यार 20 मिनट के एपिसोड में इतना कुछ दिखाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। वो भी देखते हैं यार आने वाले टाइम में क्या पता कुछ नया हमें देखने को मिल जाए, मतलब कि एक और नया पार्ट आ जाए या फिर कोई मूवी आ जाए या फिर कुछ और एपिसोड इसके अंदर निकाल दिए, क्योंकि यार ऐसे तो कहानी को रोकोगे ना तो यार देखो जो जनता है, जो ऑडियंस है इसके साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ तो एक नाइंसाफी हो जाएगी, वो इतना ज्यादा लगाव लेके बैठी। और सच में मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं उस सीन के लिए जहां पर मिकासा एरन के सामने होगी, और जैसा इसके अंदर बार बार एनी इससे सवाल पूछ रही है कि यार जब तेरे सामने एरन आएगा तो क्या सच में उसको मार पाएगी, और मारना तो छोड़ यार जब हम उसको मारेंगे तो क्या खड़ी खड़ी देख के देख पाएगी, मतलब कि तू मारने भी देगी। तो ये सब जो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं और इसका जवाब जब मिलेगा ना यार कसम से उस सीन का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो मेरे लिए 11th एपिसोड सच में बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। 11th क्या यार जब से पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है बहुत जबरदस्त
बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा है। एक अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड कैसे होंगे, या फिर एक एपिसोड है या फिर जो भी है, अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है एंडिंग में। बस तुम दिखा दो यार, बस दिखा देना पूरा, ऐसा नहीं है कि बीच में आधा अधूरा छोड़ दो। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आप लोगों को ये 11th एपिसोड कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले एपिसोड कैसा होगा, या कितने आ सकते हैं, या कोई मूवी, या फिर कोई भी, जैसे कमेंट आया था कि मूवी आ सकती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना मैंने कोई मांगा पढ़ रही है, और अब तो अंदर से दिल भी कर रहा है कि यार मांगा ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसा इसमें दिखाया जा रहा है बहुत लेट हो रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मांगा ही पढ़ लूँ, बट फिर भी देखते हैं, कंसिडर करते हैं इसके ऊपर। तो अपना एक्सपीरियंस, अपने विचार प्लीज कमेंट सेक्शन में रख देना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।